अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक और वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे जितने इल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स हैं। ठीक है, ये सारे प्राइमर्स वो हैं जो आपकी स्किन को एक ग्लो देते हैं, जिनके अंदर हल्का हल्का सा शिमर भी है। कुछ में नहीं है शिमर, लेकिन वो फिर भी ग्लो एक देते हैं। तो ये प्राइमर्स बहुत अच्छे हैं ड्राई स्किन के लिए, या उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनकी फाउंडेशन बहुत ग्लोई लुक दे, उनका मेकअप बहुत ग्लोई फिनिश वाला हो, जो आजकल बहुत ट्रेंडी है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रेवलॉन का है, रोज़ ग्लो के नाम से। ये सिलिकॉन बेस्ड ही है, और इसमें आप देखें कि हल्का सा इसके जार में भी आपको नज़र आता है कि थोड़ा थोड़ा सा शिमर है। तो ये भी अफोर्डेबल है, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है, जो आपको बड़े आराम से प्राइस लाइन से या आपको केमिस्ट वेयर हाउस से ये ब्रांड मिल जाएगा। रेवलॉन के प्रोडक्ट्स जहाँ पे भी अवेलेबल हों वहाँ आराम से आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो आप ये देखें कि ये थोड़ा सा ऐसे रनी है, क्लियर के अंदर हल्की सी शिमर है। अब ये करता यही है कि जब आप इसको स्किन पे लगाएंगे तो ये हल्की सी ग्लो आपकी देगा स्किन को। ठीक है, तो जब ऊपर आप उसके फाउंडेशन लगाते हैं और सब, तो वो नीचे से एक ग्लोई ड्यूई फिनिश फिर भी रहेगी आपकी स्किन में। तो ये ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ऑयली स्किन पे ज़रा इन प्राइमर्स को अवॉइड करें तो बेहतर है। तो हाइड्रेटिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है, मुझे बड़ा पसंद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये लॉरियल का ग्लो चेरी। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें शेड मेरे पास है लाइट ग्लो। ये वैसे मुझे लगता है कि अब शायद डिसकंटिन्यू हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी मुझे तो खैर काफ़ी अफसोस होता है इसका, क्योंकि ये मैं फाउंडेशन के साथ मिक्स भी कर लेती थी, फाउंडेशन से पहले भी लगा लेती थी। मतलब इसको आप काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल अपने मॉइस्चराइज़र में इसको ऐड कर लें तो आपको एक शिमर शिमर सी ग्लो एक आपकी स्किन पर आ जाती है। तो देखें, ये हल्का सा ग्लो दे रहा है ना, तो इसी तरह ये फाउंडेशन के नीचे जब हम लगाते हैं तो बहुत नाइस एक बड़ी सटल सी शीन देता है, जो आपकी फाउंडेशन को एक ड्यूई लुक दे देगा। तो आप फाउंडेशन में भी ऐड कर सकते हैं, मैट फाउंडेशन है उसमें ये ऐड करके आप ट्राई करें, बहुत अच्छा इसका भी रिज़ल्ट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलेगर लुमिनस ग्लो स्किन एलिमिनेटर की। ये भी एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है। इसके अंदर ग्लो है, शीन है थोड़ी सी आफ्टर ग्लो, आई थिंक शायद यही शेड है इसका। मैंने तो खैर यहाँ पर ऑनलाइन लिया था, मुझे वेबसाइट याद नहीं है कहाँ से लिया, ग्लैम रेडर से लिया था या कुछ ऐसी वेबसाइट थी। तो ये बेसिकली बिल्कुल ही ग्लोई प्रोडक्ट है। देखें, इसको आप फाउंडेशन में भी ऐड कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र में भी ऐड कर सकते हैं, वैसे डायरेक्टली भी स्किन पे अप्लाई करें। तो ये देखें, एक इसके अंदर एक शीन है, लेकिन शीन ऐसी नहीं है कि ग्लिटर ग्लिटर हो, ये ऐसे एक सॉफ्ट सी शीन देता है, जो आपके नीचे स्किन के फाउंडेशन के नीचे इतनी प्यारी ग्लो इससे आती है कि, और ये सेट भी हो जाता है। ये ऐसे ना बहुत ऑयली सा नहीं रहता, ये ऐसे बिल्कुल ड्राई हो जाता है। देखिए, अभी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इसलिए है कि जब आप नीचे लगाते हैं तो ये ऐसे ही रहता है, ऊपर फाउंडेशन लगाएं तो बहुत बेहतरीन नीचे से एक ग्लो आएगी और आपकी फाउंडेशन बहुत टू मैट या फ्लैट नहीं लगेगी। जो आजकल ग्लास स्किन लुक्स चल रही हैं मेकअप की, उसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप देखें, आपको जहाँ कहीं से भी ये मिल सकता हो इसको ज़रूर देखें, एले गर्ल ब्रांड है ये। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ये मेबेलिन का मास्टर प्राइम एलिमिनेटिंग प्राइमर है, ये पिंक वाला। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये वैरायटीज़ आती रहती हैं। बाज़ दफ़ा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसे होता है कि हमारी जो शॉप्स हैं प्राइस लाइन केमिस्ट फेरोस वगैरह, उनके स्टैंड्स पे जितनी जगह होती है उस अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट सिर्फ रखे जाते हैं, बाकी फिर प्रोडक्ट्स उठा देते हैं या सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो कुछ टाइम के लिए तो स्टोर्स पर ज़रूर रहता है, लेकिन जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स आते जाएँ वो फिर प्रीवियस प्रोडक्ट्स को उठाते जाते हैं वहाँ से ना। तो ये है कि ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा हाइड्रेटिंग भी है, तो ड्राई स्किन पे तो बहुत ही अच्छा रहता है, ज़रा ल्यूमिनस सी ग्लो दे देता है। प्राइमर का मकसद ही होता है कि आप जो भी आपकी पर्पज़ है आप उसके अकॉर्डिंगली प्राइमर को इस्तेमाल करें हमेशा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पोर्स हैं तो आपको पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज़ करना है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करना है, अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपने सिर्फ अपनी टी जोन जो है फोरहेड का एरिया और नोज़ का एरिया चिन का एरिया आपने सिर्फ वहाँ पे मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करना है, और उसके अलावा आपने बाकी अपनी चीक्स वगैरह पे अगर आपकी ड्राई रहती हैं तो आप हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ करें।
अगर आपको ड्यूई फिनिश चाहिए या ग्लोई मेकअप चाहिए तो फिर आप ये ल्यूमिनस ग्लो वाले प्राइमर्स यूज़ करते हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। आजकल हर एक की डिमांड होती है कि हमें ग्लास फिनिश वाला ग्लोई और मतलब ड्यूई लुक वाला मेकअप चाहिए, तो उसमें बड़े अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रिमल का रेडियंस प्राइमर है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल है स्किन पे, इल्यूमिनेशन देता है, ड्यूई फिनिश देता है, बहुत नाइस है ये भी। देखें ये भी ऐसे है, हल्का सा लाइट साइज का टेंट है, तो इसको भी जब ब्लेंड करके देखें स्किन में, इतनी एक नाइस सी शीन देता है, हल्का सा इसमें टेंट है, तो ज़ाहिर है क्योंकि शिमर है साथ थोड़ा सा, तो ये ऐसे स्किन पे लगता है, हल्की सी शीन दे रहा है ना स्किन में, तो ऐसे ही ये लगेगा फेस पे भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये W7 का इट्स ग्लो प्राइम है, ये भी बहुत ही एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट फेयरहाउस पे मिलता है, तो वहाँ से मैं जब कभी मुझे मिले तो मैं ले लेती हूँ ये। बहुत ही इसकी प्राइस कम है, आई थिंक ये $4-5 के प्रोडक्ट्स हैं इनके मोस्टली सारे, तो उसमें मुझे ये मैंने एक दफ़ा यूज़ किया लेके, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कस्टमर्स पे भी यूज़ किया अपने, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट, तो मैं अभी के जब मुझे ये वहाँ पर मिलता है तो मैं एक दो स्टॉक के लिए ले लेती हूँ। बहुत ही नाइस है, देखे ना इतनी अच्छी सटल सी शीन दे रहा है स्किन पर, तो बहुत अच्छा लगता है ये, हर फाउंडेशन के नीचे ना बेहतरीन रहता है। W7 ब्रांड है ये। अच्छा फिर मेरे पास ये रेवोल्यूशन का ब्राइट लाइट प्राइमर, ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये थोड़ा कंपैरेटिवली न्यू है, मैंने ये प्राइसिंग की सेल से ही लिया था, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये भी देखिए ना, ऐसे शिमर वाला ही प्रोडक्ट है, प्राइमर है, ठीक है, तो ये आप ये भी इसी तरह स्किन पर डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, अंडर द फाउंडेशन चाहें तो फाउंडेशन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा ये भी जो है स्किन को ऐसे ग्लो देगा और हाइड्रेशन भी साइड बाय साइड देता है, बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है ये भी, तो इसको भी ज़रूर ट्राई करें आप लोग। ये मेकअप रेवोल्यूशन का है, प्राइस लाइन पर यहाँ पर मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये ऑस्ट्रेलियाज़ का ड्यूई एंड डेरिंग इल्यूमिनेटिंग फेस ग्लेज, अच्छा नहीं इसका शेड नेम है कैंडल लाइट, ये भी बहुत ही अच्छा है। ऑस्ट्रेलियाज़ ने नई रेंज निकाली थी पूरी अपनी, इसमें प्राइमर भी हाइड्रेटिंग था और ये इल्यूमिनेटिंग फेस ग्लेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसकी पैकेजिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये जैसे पीछे ट्यूब है और आगे पंप है ना, तो पता नहीं इसकी शायद मैं चेक करूँगी, अंदर से शायद इसका पाइप निकल गया, अब ये ऐसे प्रेस करने से ना निकल नहीं रहा, तो जैसे मुझे ये थोड़ा सा ना खोल के इसको अब निकालना पड़ रहा है, तो आई थिंक इसका जो अंदर पाइप है वो निकल गया हुआ है, उसको मैं फिक्स करूँगी किसी दिन। पैकेजिंग थोड़ी मुझे इतनी फिर पसंद नहीं आई, लेकिन ये देखें ये भी इतना खूबसूरत शीन वाला है, बहुत ही नाइस प्रोडक्ट है ये भी, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर आप लोग ट्राई करें, अगर ये आपको मिलता है सेल में मिल जाए तो हाफ प्राइस होता है, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत एक्सेलेंट है ये भी। तो ये आज के मेरे सारे ग्लोई इल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स थे जो जिनको मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये सब अफोर्डेबल हैं, इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, मतलब अगर आप सेल्स में उठाते हैं ये तो आपको ये ऑन एवरेज $10 या इससे भी कम भी मिलेंगे ना, इतनी अच्छी इनकी प्राइस है कि, और ईजी हैं यूज़ में, बहुत कंफर्टेबल रहें, स्पेशली ड्राई स्किन पे बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो ये ज़रूर आप लोग ट्राई करें। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।